Hi everybody, what's up? Hey people, what's up? Good evening. Welcome to the session, guys. Once again, I just give me a quick thumbs up, guys. If I'm audible and visible to everyone, yes, guys. Date sheet is released finally, guys. And guys, seriously, मैं बोलूँ, guys, मुझे बहुत सही लगी, guys. Guys, what is your opinion on the date sheet? मुझे बहुत सही लगे गाइस, यू हैव सफिशियंट टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट. यू हैव सफिशियंट टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट गाइस. ओ अच्छा, ठेंगा नहीं देते, चलो ठीक है. हाय वंदना, कुणाल, व्हाट्सअप, स्पाइडर बॉय. अरे स्पाइडर बॉय, फिर तो तू कहीं ऊपर ऐसे टंगा हुआ रहेगा ना, कहीं कॉर्नर में, जहां पे मैं ऐसे झाड़ू मार के तेरे को निकालूंगा. क्वाइट पॉसिबल. हाय आयुषी, व्हाट्सअप, गुड इवनिंग. मुझे बहुत सही लगा है दीपांशु. हाय दीपांशु, गैस मुझे तो डेट शीट इतनी सही लगी ना गैस, मतलब इतना सफिशियंट टाइम है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. रिलैक्स रह सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली रिवाइज दी होल सिलेबस गैस, इतना तुम्हारे पास टाइम है बहुत अच्छे से. नहीं मतलब वंदना, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे सिनारियो बताता. हमारे घर पे होता है ना, हर संडे को ऐसा होता है, कभी पंखा साफ कर रहे हैं, कभी कॉर्नर की वो चीजें साफ कर रहे हैं, जाले वाले लगे रहते हैं. ये कॉमन मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है. अभी आप बहुत ऊपर होगे तो अलग बात है, मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे होता है, हर 10-12 दिन में ऐसे साफ सफाई होती है, तो ऐसे जाले वाले लग जाते हैं, स्पाइडर आ जाते हैं, ऐसा होता है. तो स्पाइडर बॉय उसी में अटक के निकलेगा वहां से. हाय असगर, व्हाट्स अप, गुड इवनिंग. बट गाइस, दिस वर्क इज नॉट डन बाय भावना मैम गाइस, ठीक है. वो बहुत ज्यादा रिच है, वो अपने घर पे लोगों को काम करने बुलवाती है गाइस, और ये सब पे उनका ध्यान नहीं रहता कि घर पे स्पाइडर बॉय है कि स्पाइडर वुमेन है, ये सब पे उनका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है. चलो तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों की चीज दिखाना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड देर इज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज विच इज प्लान फॉर एवरीवन, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दैट टुडे, दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड टुमारो. अब वो क्या है गाइस सरप्राइज, एक छोटी सी वीडियो के साथ देखते हैं गाइस. तो गाइस कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है गाइस, और वो पता है कितना इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ गाइस, देर विल बी नो सेशंस ऑन यूट्यूब टुमारो. लेट मी टेल यू गाइस, अक्रॉस अवर चैनल्स, 9th एंड 10th, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इंफिनिटी, जितने भी हमारे चैनल्स है ना गाइस, टुमारो देर विल बी नो सेशंस ऑन यूट्यूब. सारे सेशन कैंसिल हो गए बिकॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग इज प्लान फॉर यू पीपल. आई होप तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सुनने के लिए कि सर ऐसा क्या है. फॉर दैट यू हैव टू बी देयर विद दिस चैनल. कल 2 बजे गाइस वो हम लोग रिवील करने वाले हैं, और शाम को 7 बजे वी आर गोइंग टू रिवील वो क्या सरप्राइज है गाइस. देयर विल बी ऑल द सेशंस आर कैंसल्ड टुमारो. जो भी सेशन है ना कल के, जो भी हमारे सेशंस थे, ईच एंड एवरी सेशन इज कैंसल्ड. इतनी बड़ी चीज आने वाली है अक्रॉस अवर चैनल्स, नॉट ओनली ऑन इंग्लिश और हिंदी चैनल बट अक्रॉस द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतो. बहुत बड़ी चीज प्लान है गाइस, और वो इतनी सुपर थिंग है विच इज नॉट डन बाय वेदांतो टिल डेट. हम ऐसी चीज कुछ करने वाले जो आज तक नहीं हुआ है गाइस, मतलब वेदांतो ने और हमारी पूरी टीम ने, ऑल दी मास्टर टीचर्स, द एंटायर टीम ऑफ वेदांतो हैज प्लान एन अमेजिंग थिंग फॉर यू पीपल. वो कल पता चलेगा गाइस तुम लोगों को. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस. हाय एवरीवन, दिस इज अनन्या, योर एसएसटी मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू गाइस टू दिस सेशन. एंड इफ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस चैनल, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू पीपल प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच. हाय उदय, हाय अशोक, हेलो असगर, हाय अमिता, व्हाट्सअप अमिता, कैन यू, अमृता, कैन यू हियर मी? आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल. बोलो ना, पूछो ना वंदना, क्या क्वेश्चन है? अरे कोई उनसे उम्मीद नहीं रख सकते असगर, अभी सारी उम्मीदें टूट चुकी है मेरी.
गाइस अमृता कैन नॉट हियर मी, उसको मेरी भावना व्यक्त नहीं हो रही। आई होप यू पीपल कैन हियर मी राइट। उन्होंने भैया बना दिया तेजस, अब वो हकीकत ख्वाब ही बन गई है। जो तू हकीकत में था वो ख्वाब बन गया, अभी वो भैया बन चुके हो तुम। ठीक है, अब तुम्हारी हकीकत ख्वाब ही है। वंदना आपको कैसे पता चला? All right, people, so let's get started with our session, guys. Let's see what I have planned for you people in this class. Guys, आज के session में I have planned the source-based questions on political parties. All right, so guys, आज हम लोग सिर्फ 3 source-based questions मैं तुम लोगों को पूछने वाला हूँ, ठीक है? कर रहा हूँ session, कब start होगा मेरा SST का exam है, please start. Yes, यारी show अभी बस start कर रहे हैं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते गाइस। एंड बिफोर दैट गाइस, इफ यू पीपल आर प्लानिंग, अगर तुम लोग 10th क्लास में हो गाइस, और इफ यू पीपल आर इन 9th क्लास, देन यू गाइस कैन प्लान योर वी प्रो सब्सक्रिप्शन विद वेदांतु गाइस। ब्रिज कोर्स तुम लोग ले सकते हो, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th, एंड द प्राइस इज एज लो एज लेस देन 1,000 रुपीज गाइस फॉर द एंटायर ब्रिज कोर्स। ठीक है, 20% ऑफ इज गोइंग ऑन। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द सेम, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, चलो। So if you go through the link in the description box, you will be a part of my long-term batches. Yes. मेंटी नहीं है असगर, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें मेंटी नहीं होता है, इसमें मेंटी नहीं होता है। ठीक है, तो चलो गाइस, सबसे पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ऑन योर स्क्रीन। यू हैव 5 मिनट्स, आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस एंटायर सोर्स केयरफुली, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 1 मार्क, सेकेंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 1 मार्क, एंड थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, नाउ गाइस याद रखना, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट आंसर फ्रॉम योर सोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको पैराग्राफ में उसका आंसर मिलेगा। तो फटाफट गाइस, 5 मिनट है तुम्हारे पास, आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस एंटायर सोर्स। ठीक है, चलो। असगर जल्दी पूछ लेना, किसका वेट कर रहा है? चालू हो रहे 14 से, 14 से स्टार्ट हो रहे यार, एंड आफ्टर 15 इफ यू एनरोल यू वोंट बी गेटिंग 20% ऑफ। चलो गाइस जल्दी करो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट कन्वेन्ड इन दिसंबर 1885, दो द आइडिया ऑफ एन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट अपोज्ड टू ब्रिटिश रूल डेटेड फ्रॉम 1850s। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेवरल डिकेड्स द कांग्रेस पार्टी पास्ट fairly moderate reforms resolutions, though many within the organization were becoming radicalized by the increased poverty that accompanied British imperialism. ठीक है, so please read this entire source and I am going to ask you 3 questions. जल्दी करो। AD Pro 1 for 20 and AD Pro for 10. So Asghar, if you want just 10% off, you can use AD Pro. If you want 20% off, you can add AD Pro 1. If you think कि आपके पास बहुत पैसा लाइक भावना मैम, so no need to use any code. ठीक है, नो गर्ल, देर इज नो मेंटी टुडे। बहुत सही है उदय, मुझे तो बड़ा मजा आ गया डेट शीट देख के। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज यारी, मतलब ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, समझेगा, बहुत सिंपल है। लेट मी आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आर यू पीपल रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? वेरी सिंपल गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए आर क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए आर क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। रीजन, इन द अर्ली 20th सेंचुरी सर्टेन मेंबर्स ऑफ द पार्टी बिगेन टू एडवोकेट फॉर ए स्वदेशी पॉलिसी। क्या लगता है गाइस, इफ यू थिंक असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, देन यू हैव टू चूज ऑप्शन ए। If you think assertion and reason both are true and reason is correctly explaining us the assertion, then you have to choose option B. If you think assertion is true but reason is false, then go ahead with option C. And if you think both are true and R is not the correct explanation of A, then go for option D. What do you think?
असगर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो असगर एक काम कर, यू डू वन थिंग, यू टेक अ वीप्रो सब्सक्रिप्शन, अप्लाई AD Pro 1 एज अ कूपन कोड, और तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, सो इंस्टेड ऑफ भावना मैम से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.69 करोड़, आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, डन, डील क्लोज। बच्चों डील क्लोज हो गई, ठीक है, असगर के साथ मेरी। डी और बी में कंफ्यूजन है, यारी शो बोलता है कि सर डी होगा, बाकी को क्या लगता है? What do you think? What could be the right answer? Read the question carefully. Indian National Congress is one of the oldest party of India. अच्छा guys, assertion right है कि wrong है बताओ? Correct explanation तो बिल्कुल भी नहीं, absolutely amazing guys. That is option D. बहुत बढ़िया guys. Guys याद रखना, both the statements were absolutely right, but reason was not explaining us the assertion. So yes, the right answer is option डी, सुपर, बहुत बढ़िया। अच्छा गाइस, अगला क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नाउ गाइस, एज आई टोल्ड यू, डू नॉट एक्सपेक्ट इट द डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, हो सकता है यू विल गेट डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द सोर्स, बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज योर क्वेश्चन। 1 वंदना बोल रही है, सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, वेरी गुड 1 वंदना। बाकी लोगों को क्या लगता है? इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस, वेरी गुड असगर। तेजस, अरे ऑप्शन डी, तू कहां पे है यार? टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अरे वंदना ऑलरेडी बोल दिया मैंने तो, सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ माइनर सेक्शन। सो गाइस क्या थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू गाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। गाइस ही वांटेड टू फॉर्म अ मॉडर्न सेक्युलर कंट्री, ठीक है, एंड इट शुड बी डेमोक्रेटिक। आई बिलीव दैट यू पीपल आर अवेयर अबाउट दी टर्म्स लाइक सेक्युलर सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, द पार्टी ऑल्सो प्रोपोगेट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज ऑफ द सोसाइटी, वेरी गुड, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। ठीक है बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन फेस, नाउ यू पीपल विल बी टेलिंग मी किसका फेस बनाओ। चलो, आई होप तुम लोग को पता है कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, टीचर बनने से पहले मुझे आर्टिस्ट बनना था। बोलो किसका ह्यूमन फेस देखना चाहोगे गाइस, बताओ किसकी ड्राइंग करो, तो तुम लोगों को ह्यूमन फेस दिखाता हूं गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफॉर्म्स बट विद द ह्यूमन फेस, यस बताओ किसकी ड्राइंग करूं। ठीक है, तुम लोग ने, आपका हुकुम सर आंखों पर। भावना मैम के बाल अपन बनाएंगे रेड, गाइस ये कोई एक डायलॉग बोलेंगी यहाँ पे, डायलॉग ऐसा होगा, वाह। तो गैस भावना मैम बोलेगी मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, वाह बेटा। ठीक है, तो देखो ह्यूमन फेस हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे, क्या बोलते गैस, 5 स्टार फॉर दिस अमेजिंग ड्राइंग, क्या लगता है? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया गैस। सो आई होप
बेटा ऐश्वर्या मैंडी नहीं है। अरे एंजेलिना आप भी आ गए, अच्छा लगा आपको भी देख के। 15 स्टार। देन वंदना यू कैन लीव द क्लास। यार इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं असगर की मैं खुद का, मैं इतने लेवल पे पहुंचा नहीं कि मैं खुद की ड्राइंग बना सकूं अब तक। भावना मैम की बना सकता हूँ, लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं। ऑल राइट पीपल, सो थर्ड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया गाइस। बराबर है, आप अमृतसर का सेशन देखोगे ना, मेरा क्यों ही देखोगे, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बुरा लगा मुझे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दो गाइस फॉर 2 मार्क्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी अ नेशनल पार्टी गाइस, चलो बताओ। मजा आता है यार। यस 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 एंजेलिना, बहुत बढ़िया असगर। 6% वोट्स एंड एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, वेरी गुड, सुपर आतेरा, वेरी गुड। तेजस्व किसकी बात कर रहा है, कुछ हमें समझ रहा नहीं है। बहुत बढ़िया गाइस, सो सिंपल है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड एटलीस्ट दे विन 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सो गाइस दिस विल कम फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर 1 मार्क एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स गाइस, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो गाइस सेकंड वाला है आप लोगों के पास। गाइस यू हैव 5 मिनट्स एंड आई वांट यू पीपल टू प्लीज रीड दिस एंटायर सोर्स वेरी वेरी केयरफुली एंड सीरियसली गाइस। चलो मुझे भी यही लग रहा है असगर। हाँ यार तेजस, तूने वही बोला यार, मतलब ये बहुत इनइक्वालिटी है। अरे थैंक यू सो मच अंजलिना, अच्छा लगा देख के, बाय, टेक केयर। अशोक कुमार, आई एम नॉट ब्लर, आपको आपके रेजोल्यूशन को चेक करना पड़ेगा। एंजेलिना आपने बोला चलो, कहाँ पे चलो मैं बताओ। ओके गाइस सो ये पूरा का पूरा रीड कर लो। फर्स्ट पार्टी इज ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी, दे रिक्रूट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स एंड स्ट्रक्चर द कॉम्पिटिशन। विदाउट देम वोटर्स वुड फेस द डॉन्टिंग टास्क ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स। इन दिस सेंस पार्टीज सिंप्लीफाई द डेमोक्रेसी एंड वोटिंग सिस्टम। सेकेंड, पार्टीज इन अ ब्रॉड सेंस स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दे टेक आउट पोजिशंस ऑन इश्यूज लाइक हेल्थ केयर, एनर्जी, एनवायरमेंट, फॉरेन अफेयर्स एंड दे कम अप विद वेरियस इश्यूज, ठीक है। द ओरिएंटेशन ऑफ पार्टीज कैन चेंज एंड इट इज इजियर टू चेंज अ पार्टीज डायरेक्शन देन टू स्टार्ट अ न्यू पार्टी। पार्टीज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट क्यूज टू वोटर्स अबाउट द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज द टर्म पार्टी आइडेंटिफिकेशन टू डिस्क्राइब हाउ सिटीजन्स, कहाँ पे गया, यस, आइडेंटिफाई विद पार्टीज। द एंड्योरिंग सब्जेक्टिव आइडेंटिटी पीपल डेवलप विद द पॉलिटिकल पार्टी हेल्प्स एक्सप्लेन देयर वोटिंग बिहेवियर। इफ इट इज नॉट द सेम एज पार्टी रजिस्ट्रेशन, द लीगल प्रोसेस वेयर यू डिक्लेयर अ पार्टी फॉर पर्पस ऑफ वोटिंग इन प्राइमरीज। गाइस आई वांट यू पीपल टू रीड दिस एंटायर सोर्स बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। 26 मार्क्स है क्या? मैं तो चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ यार। व्हाट अबाउट यू पीपल? क्लियर है? चलो तो गाइस पूछ लेता पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस ए एंड आर। असर्शन इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस फॉर अ कंट्री। गाइस डिसिसिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। रीजन, लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। हाय अशोक, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, व्हाट अबाउट यू? विद आरसीबी एंड एसआरएच, बहुत बढ़िया, इट्स अ न्यू टीम ऐश्वर्या, ऑल राइट, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सेम। असगर बोल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे हुआ? ए एंड आर, अच्छा तो अकॉर्डिंग टू यू असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन, पक्की बात? अधीरा ऑल्सो सेज बी,
कूल, व्हाट अबाउट अदर किड्स? अशोक कुमार इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन बी, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन बी, सो लेट्स सी गाइस, ऑप्शन बी है क्या? यस गाइस, दैट इज ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया गाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है गाइस, पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉस फॉर अ कंट्री, यस बिकॉज लॉस आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एब्सोल्युटली राइट गाइस, सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए। तेजस ने भी बी का ऑप्शन दिया था, चलो बढ़िया। ओके मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन गाइस, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या लगता है गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लाइक इंडिया? गाइस दिस इज फॉर वन मार्क, दिस इज फॉर वन मार्क एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर टू मार्क। ओके अथीरा सेज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, असगर सेज टू रन द गवर्नमेंट वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत बढ़िया यार। अशोक कुमार सेज टू गवर्न द कंट्री, यस एब्सोल्युटली राइट। असगर बाय द वे यू आर इन नाइन्थ क्लास और आप ट्राई करो आंसर टेंथ क्लास की देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिन। सो जब तू मेरे बैच में ज्वाइन करेगा तो सबसे टॉप में आएगा लीडर बोर्ड में, राइट बहुत बढ़िया गाइस। So guys, popular leaders are elected as rulers. Leaders are elected to serve the people. Those who wish to be elected must serve better. To form and run the government, we need political parties. Hello. राम 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 भावना, मैं लेक्चर में आपको 10 मिनट कॉल करूं, सबको हाय भी बोल देना। कोई बात नहीं, हाय बच्चा बाटी, बाय बाय। बाय बाय। चलो गाइस भावना मैम से बात हो गई, चलो बढ़िया है। देखो हाय बच्चा पार्टी, भाई ने भी बोल दिया गाइस, वन वीक है गो, अच्छा आज घर, ये तो बहुत बढ़िया है, हाय बाय, बढ़िया। सो गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल पार्टी सिस्टम फॉर ऑल द कंट्रीज एंड कंडीशन, जस्टिफाई योर क्लेम गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझा, There is no one size fits all party system, मतलब एक ही पार्टी सिस्टम से हम लोग पूरे दुनिया नहीं चला सकते guys. You have to justify this question with some statements. चलो बताओ। नहीं नहीं तेजस बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बात है, slow and steady wins the race. असगर बताओ गाइस इसका आंसर दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो रहे हो क्या? हाय साय दीपिका, या आपने बोला लीव द क्लास और उन्होंने मुझे, मैंने तो नहीं किया टाइम आउट आपको सर, बिकॉज सम कंट्रीज विल बी वास्ट, वेरी गुड अतिरा, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, different areas need different needs, such as Bihar needs more medical infrastructure. All right Asgar, great point. So guys yahan pe the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Party system is not sometimes something any country can choose, it evolves depending on the nature of the society. So guys it depends upon the situation. If India follows multi-party system, that is due to the situation of India, because we have lot of diversity, and in a country like India guys, we cannot follow one party system or two party system, that is why we have multi-party system. Not a multiple parties ek hi din mein evolve nahi ho gayi thi, like the very first political party which was formed was in 1885, Indian National Congress. Later on slowly slowly gradually many political parties came into the picture. Theek hai, yes सिंपल था गाइस। सो ये थर्ड तुम्हारा है, लास्ट वन सोर्स। अच्छा गाइस मेरा एक तुमसे रिक्वेस्ट है, आई ऑलवेज गिव यू होमवर्क क्वेश्चंस, बट आई सी वेरी लेस स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। गाइस देखो सीरियसली करो यार, ये जो सोर्स है ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, एंड ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चंस है गाइस, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। I want you people to take out some time, read this entire source, और इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ गाइज, प्लीज रीड दिस एंटायर सोर्स,
थोड़ा सा इनिशिएटिव लो गाइस एंड गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस, डू दिस। ऑलराइट, सिंपल है गाइस, इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीड दिस एंटायर सोर्स, 5 मिनट्स टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस एंड 5 मिनट्स टू गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, करोगे होमवर्क ये? ओके, सो लेट मी सी गाइस हाउ मेनी पीपल विल गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑलराइट, सो गाइस ये आप लोगों का होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ये वन वन मार्क, ये 1 मार्क एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, चलो देखते हैं अशोक, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया तो। सो दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, टेक योर टाइम गाइस, आज डे एंड तक देना, एंड नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, तो आंसर आगे है गाइस, आंसर आपको मिलेगा आगे। तो गाइस मैं क्विकली जस्ट आई वांट यू पीपल टू स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। गाइस इज देयर एनीवन हु वांट्स टू टेक अवर वी प्रो सब्सक्रिप्शन और हु वांट्स टू नो मोर अबाउट द वी प्रो सब्सक्रिप्शन? चलो बढ़िया असगर। सो गाइस इफ एनीबॉडी इज प्लानिंग टू टेक अ वी प्रो सब्सक्रिप्शन गाइस, तो तुम लोग गाइस अभी आ सकते हो। बहुत गाइस देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू शुड टेक अ प्रो वी प्रो सब्सक्रिप्शन। आपको मालूम है गाइस लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोज इन अवर वी प्रो बैचेस, वी अनम्यूट द स्टूडेंट्स, वी अनकैम्प द स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया भी था गाइस द वे इंटरेक्शन गोज ऑन इन अवर वी प्रो बैचेस। ठीक है, योर डाउट्स आर टेकन केयर ऑफ, टेस्ट असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स गाइस। ठीक है, सो इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू टेक अ वी प्रो सब्सक्रिप्शन गाइस डेफिनेटली यू कैन कम, देर आर मेनी मेनी एडवांटेजेस, कभी भी ले सकते हो गाइस। बट अगर तुम लोग 15 मार्च से पहले प्लान करोगे ना, सो 20% ऑफ इज गोइंग ऑन। ठीक है, अच्छा 15 मार्च के बाद लोगे तो क्या होगा, यू कैन डेफिनेटली कम, यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस, आज भी आ सकते हो, नेक्स्ट मंथ भी प्लान कर सकते हो, बट यू वोंट बी गेटिंग दैट डिस्काउंट। ठीक है, एडी प्रो 1 यूज करो एंड गेट 20% ऑफ, लिंक इज इन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको लगता है कि सर हमको ट्राई करना है, सो गाइस यू कैन ट्राई अवर ब्रिज कोर्सेज गाइस, जो कि 14 से स्टार्ट हो रहा है, ब्रिज कोर्सेज 14 से स्टार्ट हो रहा है गाइस, जिसका प्राइस काफी कम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ 15 को भी मिल जाएगा असगर, यू विल गेट 20% ऑफ। मुझे मेल कर दे, मैं तेरे को रिस्पॉन्ड कर दूंगा असगर। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी है तेरे पास, या आप लोगों के साथ ईमेल आईडी है, लास्ट टाइम मैंने दिया था। ठीक है, सो गाइस देखो ये है वीडियो, जस्ट गो टू दी शो मोर गाइस। देखो ये ब्रिज कोर्सेज है, इफ यू क्लिक ऑन दिस ब्रिज कोर्सेज गाइस, इट इज एट जस्ट 19,960 रुपीज गाइस। श्वेता मैम, अनन्या सर, शिल्पी मैम उनके बाजू में ही है, बहुत बढ़िया, गोपाल सर, मारिया मैम, भावना मैम, गाइस वी आर गोइंग टू टेक दिस ब्रिज कोर्स एंड ऑल्सो दी लॉन्ग टर्म बैचेस। हाँ नो दैट विल नॉट वर्क असगर, यू कैन डू वन थिंग, ये वीडियो के लिंक के नीचे से ही जाना। ठीक है, ऑलराइट, एंड इफ यू पीपल आर प्लानिंग फॉर एंटायर ईयर गाइस, प्री बुकिंग में यू आर गेटिंग 12 20 फ्लैट 20% ऑफ गाइस। आई ऑलवेज सजेस्ट क्लासिक प्लान। ठीक है, उसका रीजन ऐसा है गाइस, क्योंकि योर डाउट्स आर टेकन केयर ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टिल इवनिंग 11 PM, सुबह 8 से लेकर रात को 11 बजे तक। अगर आपको लास्ट क्लास के बाद भी डाउट्स आते हैं, यू गाइस कैन आस्क अस। ठीक है, EMI ऑप्शन अवेलेबल है, दिस इज फॉर एंटायर ईयर विच इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, कैन गो, यू कैन बाय अवर कंप्लीट कोर्स एंड बी अ पार्ट ऑफ अवर लॉन्ग टर्म बैचेस। और गाइस बेनिफिट क्या होता है, इफ यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ अवर इनिशियल बैचेस गाइस, यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ सेशंस, चाहे वो रेगुलर सेशंस हो या रिविजन सेशंस हो, यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड या थैंक यू सो मच। सो गाइस इफ यू पीपल आर प्लानिंग, आ जाओ जल्दी से जल्दी एंड विल सी यू ऑन 14th। ठीक है, मेरे ब्रिज कोर्स में देखना चाहूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइस, टेक केयर।